उनसे अनुरोध है कि वो अपनी अपनी मोटरसाइकिल उनकी वापसी हो पाए तो साथ सामना ना करना पड़े। सभी बच्चों से अनुरोध है जो भी भारत के आजाद भारत का 75 सालों का सफर, आजादी का अमृत महोत्सव, घर घर तिरंगा, आज ये नया कश्मीर है, बदला हुआ कश्मीर है, विकसित कश्मीर है। तो आज आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए, घर घर तिरंगा का संदेश देने के लिए जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, इस साल विशेष है। नए दौर के कश्मीर में मनाया जा रहा है, विकसित कश्मीर में मनाया जा रहा है। और कश्मीर में बीएसएफ ने बहुत कुर्बानियां दी हैं देश को अखंड रखने में, कश्मीर में मिलिटेंसी को कंटेन करने में बीएसएफ का बहुत बड़ा रोल रहा है। आज यही संदेश देने के लिए पूरे देशवासियों को, कश्मीर वासियों को, युवाओं को, आज हमने एक ये बाइक तिरंगा रैली निकाली है जो शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरेगा। और युवाओं को आह्वान है कि आप नए दौर के कश्मीर में आएं, इसके विकास में सहभागी बने, अपना भविष्य उज्जवल करें। और मेरे साथ सभी लोग मिलकर के बोले, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक और अखंड है। जय हिंद, जय भारत।